बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मा इन्फॉर्म। तो फार्मा इन्फॉर्म में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्प्रे पैटर्न। स्प्रे पैटर्न में हम सबसे पहले देखेंगे स्प्रे गन टू गन डिस्टेंस कि हमारा जो स्प्रे गन्स कोटिंग पैन के अंदर एक रॉड्स के ऊपर इंस्टॉल होती हैं, उन दोनों गन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसका क्या इफेक्ट आता है स्प्रे पैटर्न के लिहाज से हमारी टैबलेट की कोटिंग की क्वालिटी के ऊपर। और साथ ही हम देखेंगे स्प्रे गन टू टैबलेट बेड डिस्टेंस। एक तो हम देखेंगे दो गन्स जो है कोटिंग पैन के अंदर रॉड्स के ऊपर इंस्टॉल हैं, दोनों गन्स के अंदर डिस्टेंस का इफेक्ट क्या आएगा। दूसरा हम देखेंगे कि जो गन से लेके हमारी टैबलेट्स जो हम कोट करने लगे हैं या कोटिंग के दौरान हमारी टैबलेट रोटेट कर रही होती हैं, तो स्प्रे गन से लेके टैबलेट बेड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसका क्या इफेक्ट आता है हमारी टैबलेट कोटिंग की क्वालिटी के ऊपर। तो शुरू करते हैं पहले स्टेप को जो है स्प्रे गन टू गन डिस्टेंस। वीडियो को क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो गन टू गन डिस्टेंस, पोज, ये हमारे पास तीन गन्स रॉड के ऊपर इंस्टॉल हैं, गन वन गन टू गन थ्री। तो गन टू गन डिस्टेंस ये होता है एक गन से दूसरी गन के दरमियान कितना डिस्टेंस है और दूसरी गन से लेके थर्ड गन के दरमियान कितना डिस्टेंस है। अगर फोर्थ है तो यानी हर गन दो गन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका इफेक्ट क्या आएगा, स्प्रे पैटर्न कैसा बनेगा। सपोज हम ये कहते हैं कि ये हमारी टैबलेट्स हैं जो कि कोटिंग पैन रोटेट करता है तो साथ रोटेट कर रही है। अगर हमारी गन वन ये है, इसका पैटर्न ऐसे आ रहा है शावर का, और गन टू यहाँ पे इंस्टॉल है इसका पैटर्न ऐसे आ रहा है, और गन थ्री अगर यहाँ पे इंस्टॉल है इसका पैटर्न यहाँ पे आ रहा है, तो आप देख रहे होंगे ये क्लियर एरियाज यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग हो रही है इसका मतलब है कि हमारी जो गन इंस्टॉल है रॉड के ऊपर दो गन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है। डिस्टेंस कम होने की वजह से हमारी इस गन की जो स्प्रे है वो इस गन के साथ ओवरलैप हो रही है और इस गन की स्प्रे जो है वो इस गन की स्प्रे के साथ भी ओवरलैप हो रही है। इसका इफेक्ट क्या आएगा या डिफेक्ट क्या आएगा कि जहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो रही है तो जितनी टैबलेट्स यहाँ से हमारी रोटेशन के दरमियान गुजर रही होती है उनके ऊपर ज़्यादा शावर होता है कोटिंग का और वो वेट होना शुरू हो जाती है। जब उनकी सरफेस वेट होती है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ स्प्रे तो उनके जो हमारे डिफेक्ट्स होते हैं टैबलेट कोटिंग में, जिसमें ट्विनिंग भी आ सकती है, पिकिंग भी आ सकती है, स्टिकिंग भी आ सकती है, वो ज़्यादा आपको अपीयर होना शुरू हो जाती है। या फिर आपकी टैबलेट अगर बहुत ज़्यादा वेट हो जाती है तो उसकी सरफेस भी डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो इसका जो सलूशन होगा वो क्या होगा कि हमारी जो गन्स की प्लेसमेंट होती है वो प्रॉपर हो कि जब हमारा शावर आए वो आपस में ओवरलैप ना करें। उसके लिए सपोज आपकी एक गन यहाँ पे इंस्टॉल है, इसका शावर ऐसे आ रहा है, एक गन यहाँ पे इंस्टॉल है इसका शावर यहाँ पे आ रहा है, यानी जहाँ ये ख़त्म होगा वहाँ ये शुरू होगा। और अगर एक गन यहाँ पे इंस्टॉल है, एग्जांपल के लिए ये तो स्कूटर के साथ आ गई है, हम दो को ही देख लेते हैं, तो दरमियान में देखें ओवरलैपिंग नहीं हो रही, प्रॉपर शावर हमारा होगा टैबलेट सरफेस के ऊपर और हमारी जो ओवरलैपिंग भी नहीं होगी और ओवर बैटिंग भी नहीं होगी। और अगर इसी चीज़ को हम इस तरह देखें कि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए
अगर एक गन यहाँ पे इंस्टॉल है और एक यहाँ पे इंस्टॉल है, इसके शावर ऐसे आ रहा हो, इसके शावर ऐसे आ रहा हो, तो दरमियान में ये जो डिस्टेंस है ये एम्प्टी रह जाता है। मीन यहाँ से जितनी भी टैबलेट्स गुजर रही होंगी वो ड्राई गुजर रही होंगी, ओवर ड्राई हो सकती है हमारी टैबलेट्स, या इस ड्राइनेस की वजह से हमारा हो सकता है कि प्रॉपर वेट गेन भी ना आए। तो टैबलेट की जो शावर के लिए हमारा प्रॉपर डिस्टेंस है, उसके लिए गन्स की इंस्टॉलेशन को हमेशा देखा जाता है कि हमारा शावर पैटर्न जो है वो यूनिफॉर्म हो, कि ना तो हमारी कोई स्पेस ज़्यादा बच रही हो दो गन्स के दरमियान, कि अगर आप गन्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा कलर टैबलेट्स को कोट कर रहे हैं तो यूनिफॉर्मिटी में भी इशू। गन्स का जो डिस्टेंस है आपस में वो इतना होना चाहिए कि ना तो इनका शावर आपस में ओवरलैप करे, कि ओवरलैप की वजह से ओवरबैटिंग हो, और ना इतना डिस्टेंस ज़्यादा हो कि हमारा दरमियान में गैप या स्पेस एम्प्टी रह रही हो, खाली रह रही हो, और कलर कोटिंग अगर हम कर रहे हो तो वहाँ पे हमारी यूनिफॉर्मिटी ना आ रही हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको हम गन टू गन डिस्टेंस में ऑब्जर्व करते हैं, और अगर अकॉर्डिंग टू अपना जो शावर होता है उसके इसको चेंज कर सकते हैं पोजीशंस को, या इसकी इंस्टॉलेशन अगर फिक्स है तो हम इसको इंजीनियरिंग के थ्रू अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंस्टॉल भी करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है स्प्रे गन टू टैबलेट बेड डिस्टेंस। ये भी गन के डिस्टेंस के मामले में है। अगर सपोज ये हमारी गन्स हैं, ये हमारी टैबलेट्स हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं स्प्रे गन टू टैबलेट बेड डिस्टेंस। अगर तो स्प्रे गन से लेके टैबलेट की जो बेड होता है, सपोज यहाँ पे अगर हम शो करें बाउंड्री के थ्रू, अगर ये डिस्टेंस बहुत कम हो तो हमारा स्प्रे रेट अगर ज़्यादा हो तो टैबलेट की सरफेस ओवरबेट होगी। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए सपोज यहाँ तक, तो हमारे जो सॉल्यूशन का प्रॉपर शावर होगा टैबलेट के ऊपर वो नहीं होगा, कोटिंग सस्पेंशन टैबलेट के सरफेस तक पहुँचने से पहले ही वेपोरेट हो जाएगी, और हमारा जो कोटिंग मटेरियल है वो फाइन पार्टिकल की फॉर्म में अगर टैबलेट की सरफेस पे डिपॉजिट होके उसकी सरफेस को रफ कर देता है, तो जो डिफेक्ट होता है ऑरेंज पील इफेक्ट वो भी आ सकता है। तो टैबलेट बेड टू गन डिस्टेंस जो होता है हमेशा यूनिफॉर्म रखा जाता है, डिपेंड करता है पेन के डिज़ाइन पे और आपके टैबलेट बेड के लोड पे और आपकी कोटिंग फॉर्मुलेशन पे। यूजुअली इतना डिस्टेंस होना चाहिए हमारा कि हमारी गन्स जो हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा ओवरबेट हो रही हो, और ना ही ना इतना कम हो डिस्टेंस कि हमारी टैबलेट्स ओवरबेट हो रही हो, और ना इतना ज़्यादा हो कि हमारा वेट गेन ही ना आ रहा हो, वेपोरेशन पहले ही हो जाए कोटिंग सस्पेंशन की टैबलेट की सरफेस तक पहुंचने से, और हमारा जो वेट गेन है प्रॉपर वो ना आ रहा हो, लॉस ज़्यादा आ रहा हो। जब हमारी कोटिंग ऑपरेशन चल रहा होता है तो ड्यू टू मैनी डिफेक्ट्स, या इफेक्ट्स जब हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं मेनली ह्यूमिडिटी की वजह से भी, हमारा जो कोटिंग बेड है वो स्मूथ नहीं रहता, इसकी मूवमेंट चेंज होती रहती है। गन तो एक जगह पे फिक्स होती है लेकिन हमारा बेड जो होता है वो अप एंड डाउन डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर्स, या हमारा जो एयर क्वालिटी होती है उसके, या ह्यूमिडिटी के, ये अप डाउन होता रहता है। इसलिए हमेशा जो अच्छा ऑपरेटर होगा वो अपने गन डिस्टेंस को मेजर करता रहता है स्केल के साथ एसएस के, जहाँ उसको लगता है कि हमारा बेड ज़्यादा नीचे चला गया है और डिस्टेंस बढ़ गया है वो गन्स को क्रीक कर लेता है, जहाँ उसको फील होता है कि डिस्टेंस कम हो गया है वो गन्स को बैकवर्ड पोजिशन में थोड़ा पीछे कर देता है। अगर ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होता है, हमारी टैबलेट्स मॉइस्चर लेती हैं, उसकी सरफेस रफ होती है, टैबलेट बेड टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा होता है, तो बेसिकली हमारी जो होती है टैबलेट की फ्रिक्शन या सरफेस थोड़ी रफ होती है, उससे हमारा जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन की वजह से हमारा टैबलेट बेड टेम्परेचर सॉरी टैबलेट बेड जो होता है वो अपवर्ड आता है। जब अपवर्ड आता है तो गन टू टेबल बेड डिस्टेंस कम हो जाता है। पंप अगर हमारा 40 पे चल रहा है, डिस्टेंस कम हो गया है, तो ओवरबेटिंग के चांसेस, टिकिंग पिकिंग के चांसेस या ट्यूनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं,
इसलिए हमेशा इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए सबसे पहले गन्स को बैक साइड पे थोड़ा पीछे किया जाता है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, पंप को स्लो किया जाता है ताकि हमारा जो बेड टेम्परेचर है वो दोबारा से, अगर वाटर वाली कोटिंग है तो 38, 39 या 40 पे मेंटेन हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई टेबलेट चल रही हो तो बेड टेम्परेचर, क्योंकि स्मूथनेस आती है टेबलेट्स में, अगर कोटिंग आपकी ड्राई चल रही हो, स्टार्ट की बात नहीं कर रहे, अगर ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो चुकी हुई है और आपका टेबलेट बेड टेम्परेचर 41, 42, 43 पे चला गया तो आपका जो कोटिंग टेबलेट बेड टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा और उससे जो स्मूथनेस आती है, बेड टेम्परेचर डाउनवर्ड जाता है, गन टू बेड डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमेशा गन्सों को हम दोबारा एडजस्ट करके आगे की तरफ लाते हैं, बेड टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए इनलेट टेम्परेचर को कम कर देते हैं और स्प्रे रेट को भी ज़्यादा कर देते हैं, इन सारी चीज़ों को सिंक्रोनाइजेशन में रखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो की समझ आई होगी, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।